हे यार, हेलो दोस्तों। दोस्त यार, कैसे हो आप सभी? तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक नई गेम प्ले। ओए तो बताओ ना, आज क्या ही चैलेंज है भाई? किल विल करना है, बुया करना है, क्या करना है? अरे ऐसा तो कुछ सोचा नहीं भैया यार, अभी अभी सो के उठा हूँ। और भैया यार, मुझे आज काफी यार एकदम डर सा लग रहा है। और यार ये फ्री फायर के जगह भी कितना यार डरावने होते हैं भैया। ओए यार, क्या ही बात कर रहा है तू? आज तुझे हो क्या गया है? ओए यार, लगता है बुरा सपना देख के आया है। हाँ भैया, बुरा सपना ही देख के आया था। ओए सुबह सुबह क्या ही बुरा सपना देखा? हाँ शायद इसीलिए तूने मुझे उठाया होगा नींद से। हाँ भैया, कुछ ऐसा ही एकदम डरावना सपना देखा, उसके बाद यार सोने का हिम्मत ही नहीं हुआ। और यार चलो गेम खेलते बोल के भाई, गेम में यार आपको भी बुला के लेके आ गए भैया। ओ यार, मेरा सपना बिगाड़ दिया तूने। ओए तेरी देसी देसी, चल ओए डरावने सपने से क्यों डरता है तू? ओए आजा, चल तुझे आज मैं ओए एक असली हकीकत वाली मेरा यार कैंपिंग वाली कहानी सुनाता हूँ। अरे कैंपिंग वाली भैया, वही ना जो आप दोस्तों के साथ गए थे 10वीं क्लास में। ओए बंदा, हाँ हाँ भैया यार, उस कहानी के तो चर्चे पूरे यार स्कूल में था यार। तब मैं यार 5 क्लास में पढ़ता था, और भैया यार आपने मुझे कभी सुनाया नहीं। ओए क्योंकि तू यार उस वक्त बहुत डरता था इसीलिए। कोई बात है, आज तुझे मैं सुनाता हूँ उस कैंपिंग वाली कहानी। तो नेकी यार पूछ भैया यार, देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी से सुनाइए ना। ओए तो सुन, तो यार ये 10वीं क्लास की बात है। हाँ भैया, उतना तो मुझे भी पता है। ओए चुप कर ना, मैं अपने दोस्तों को भी तो बताना चाहता हूँ। और दोस्तों यार, कहानी सुनने से पहले फटाक से यार वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यार हम मोटिवेट हो पाए। हाँ यार, आजकल कोई ना लाइक करता है ना कमेंट करता है, क्या ही हो गया दोस्तों आपको। ओए हाँ दोस्तों यार, अगर यार ऐसे करोगे तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा, तो फटाक से पहले लाइक कर दो, उसके बाद मैं कहानी चालू करता हूँ। तो चलो आप। ओए दोस्तों यार, ये हमारा ओए 10वीं क्लास की कहानी है, जब हम कैंपिंग गए थे एक सर के साथ। वो हमारे पीटी सर हुआ करते थे, जो यार एक्सरसाइज सिखाते है ना, वैसे सर। हाँ भैया, मुझे अभी भी याद है पीटी सर। ओए बिल्कुल हाँ, वही मुंडा। और उसके बाद हम यार गड्डी में चले गए, और सिर्फ हम बॉयज ही थे, क्योंकि यार गर्ल्स अलाउड नहीं थे वो कैंपिंग। तो कुल मिला के हम 25-26 बॉयज हुआ करते थे। और यार सर ने हमारा 5-5 का ग्रुप बना दिया, यानी कि एक टेंट में 5 दोस्त बैठ सकते हैं। तो हमारे पूरे 5 दोस्त थे, तो हम एक कैंपिंग में रुक गए, और बाकी भी अपने दोस्त बना के कैंपिंग में रुक गया। और यार हमारा ग्रुप कुछ अतरंगी था बुंडा। हाँ भैया, सबसे ज्यादा चर्चा तो यार आपका ही ग्रुप का था, पूरे स्कूल में हल्ला फिजा हुआ था। तब से यार हम यार कभी कैंपिंग भी जा नहीं पाए, सिर्फ आप लोगों के बैच की वजह से। ये सभी बात तो छोड़ ना, अभी कहानी सुन। तो हमारे ग्रुप में 5 थे, और एक यार बहुत डरपोक था, दूसरा यार बहुत बड़ी बड़ी फेंकता था, जो यार बोलता था डरता नहीं, लेकिन यार अंदर अंदर वो भी डरता था। और हम 3 दोस्त एवरेज से थे, तो कुल मिला के ऐसे हमारा 5 ग्रुप हुआ करता था। और वो जो डरपोक वाला दोस्त थे ना, वो यार कैंपिंग आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो भूत से काफी डरता था, और कैंपिंग तो रात को होता है ना। और उसके यार मम्मी पापा को हमने यार एकदम पहला फुसका के उसके घर में जाके हमने उसको बुलाया था, क्योंकि वो हमारा दोस्त था, लेकिन वो आना नहीं चाहता था, फिर भी हमने उसको लेकर आए। और ऐसे ही करके यार हम 5 ग्रुप थे, और यार सभी हमने यार खाना वाना बना के खा लिए। और यार तभी थोड़ी बहुत डांस वगैरह हो गया उधर, लेकिन यार हमने तो अपना ही प्लान बनाया था, मतलब कि हम 5 दोस्त प्लान बनाए थे कि हाँ यार जब रात होगा, जब सभी लोग सो जाएंगे ना, तब हम जंगल में जाएंगे एकदम यार घूमने के लिए। और वो जंगल में यार भूतों की कहानी भी काफी हुआ करता था, तब यार हमें कुछ डर नहीं लगता था, क्योंकि यार हम 3 दोस्त तो एवरेज से थे, एक दोस्त फेकू चंदा और बाकी एक डरपोक था, उसको तो हम 4 दोस्त मिलकर यार एकदम बेला फुसका के लेके जाएंगे बोल के सोच गए थे। लेकिन वो डरपोक दोस्त हमारे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं था, तो हमने भी बोल दिया अगर हम 4 जाएंगे तो वो अकेले कैंपिंग में होगा, उसके बाद यार और डरावनी ऐसी एकदम कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो वो भी मान गया, और उसके बाद हम यार सभी सो गए। तब हम 5 निकले यार जंगल की तरफ, और जंगल के अंदर ही अंदर चले गए। अरे यार भैया, तो जंगल में तो यार भूत के अलावा बाकी जंगली जानवर भी तो होते हैं। ओए यार, उस जंगल में वैसे जंगली जानवर तो नहीं था, बस यार उधर हिरण हुआ करता था, लेकिन हिरण से क्या डरना। तो हम यार चले गए जंगल में, और यार हम कुछ ही देर चलने के बाद यार अचानक से बारिश की कड़कड़ाहट शुरू हो गई, मतलब कि यार बारिश चालू हो गई थी। उसके बाद हम सभी हड़बड़ा गए, क्योंकि यार ना हमारे पास दूसरा एक्स्ट्रा क्लोथ थे, और टेंट से हम काफी दूर आ चुके थे, अगर उधर तक हम यार एकदम दौड़ के भी जाते ना, पूरी तरीके से भीग जाते। तो यार हमने आसपास देखा, तभी यार हमारे एक दोस्त को यार एक घर से दिखाई दी। तो यार हमने सोचा यार कुछ यार ये जंगल हाउस वगैरह होगा, तो हम यार उसी घर के नीचे यार रह गए। और बारिश बहुत तेज हो रही थी, मतलब कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे यार भैया, मुझे लगता है जरूर ये बारिश भूत ने करवाया होगा, आप लोग डरे नहीं क्या?
ओए बेटा कुछ ऐसा हुआ था, वो जो डरपोक दोस्त था ना बिल्कुल तेरी तरह था एकदम फट्टू। वो भी यही बोलने लगा कि ये बारी जरूर भूत ने करवाया होगा, और वो तो यार डर के मारे एकदम दौड़ के कैंपिंग को जाने को बोल रहा था, लेकिन हमने उसको रोक लिया क्योंकि यार अगर हम दौड़ के जाते भी ना पूरा हम भीग जाते हैं। उसके बाद यार सुबह यार भूत ऐसा ही हम यार बीमार जरूर हो जाते हैं, और ऊपर से यार हमारा सर को भी पता चल जाता, इसीलिए हम उधर ही रुके। और उसको भी यार हमने पहला फुसका के उधर ही रोकने के लिए बोला। तो भैया उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हो रहा क्या था, हम यार उधर थोड़ी देर के लिए रुके और अचानक से यार उस घर का दरवाजा बुड्ढा एकदम चर्र करके खुलने लगा अपने आप ही। हे भैया यार मतलब कि भूत आ गया। ओए मना भूत नहीं था, उधर से आई यार बिल्कुल भूत जैसे, एक सफेद सी यार कपड़ा पहने हुए एक यार बूढ़ी औरत। जरूर वो भूत होगी भैया। ओए वो भूत नहीं थी, उसके हाथ में मोमबत्ती था बुड्ढा, और वो कहने लगी यार तुम लोग इतने रात पे इधर क्या कर रहे हो, इधर इतने रात पे भूत घूमते है। हाँ, सच में भैया। ओए यार मुझे बोल देते थे। हाँ वैसे ही वो बूढ़ी औरत कहने लगी। उसके बाद क्या था, वो फट्टू हमारा दोस्त था ना, वो तो यार डर के मारे एकदम पैट ही गीली कर बैठा बेचारा। यार मैं भी होता तो मैं भी पैट गीली कर देता भैया। और उसके बाद हुआ क्या, कहीं भूत तो नहीं आ गए भैया? ओए नहीं बुड्ढा। उसके बाद यार वो बूढ़ी औरत कहने लगी अगर तुम लोग सही सलामत इधर से बच के जाना चाहते हो तो बारिश रुकने का इंतजार करो, तब तक तुम लोग मेरे घर के अंदर आ सकते हो। तो उसके बाद भैया? ओए बना तो क्या, तो हम पांचों ही डर गए थे, और यार हमने सोचा यार भूत आ जाए उससे पहले यार घर के अंदर ही चले जाते, और हम घर के अंदर चले गए। लेकिन बना घर बहुत पुराना था, और यार बाहर जंगल से डरावना था वो घर था अंदर से। अरे भैया यार कहीं वो भूतों का घर तो नहीं था? ओए मैंने बोला ना बुड्ढा, वो यार बूढ़ी औरत थी जो यार मोमबत्ती पकड़ के बैठी थी, इसीलिए यार हमें लगा यार भूत तो मोमबत्ती नहीं पकड़ते ना, तो इसीलिए यार हम एकदम खुश हो गए, और यार जैसे तैसे करके ये एक बूढ़ी औरत का घर है समझ के हम यार उधर ही रह गए एक ही कमरे के अंदर। उसके बाद यार हम सभी यार एकदम गर्म होके एकदम बूढ़ी औरत के यार बेड के ऊपर बैठ गए, और यार मस्त करके यार एकदम कंबल वंबल ओढ़ के बैठे थे। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी उस रात को, वरना हम बस यार उधर खिड़की से देख रहे थे कि कब बारिश रुक जाए और कब हम इधर से चले जाए। और तभी यार बूढ़ी औरत आ जाती है कुर्सी लेकर, और कुर्सी में बूढ़ी औरत यार हमारे कमरे में आ गए और उसके बाद बैठी और बोलने लगी अरे जब तक बारिश नहीं रुक जाता तब तक मैं तुम लोगों को इस जंगल का एक कहानी सुनाता हूँ, सच्ची वाली वो भी। हे मतलब कि कहानी के अंदर भी कहानी भैया? ओए हाँ मुन्ना कहानी के अंदर कहानी। तो यार मुन्ना तब हम यार ओए कहानी सुनने के लिए थोड़ी बहुत एक्साइटेड हो गए, मतलब कि हमें सोचा यार अगर कहानी सुनेंगे तो डर नहीं लगेगा। और उसके बाद यार वो बूढ़ी औरत कहानी बोलने चालू कर गई। अरे बोले तो ये जंगल एक श्रापित जंगल है जिधर कोई नहीं रहता सिवाय मैं बेचारी बूढ़ी औरत का, हर ये एक दिन का कहानी है जब तुम जैसे नौजवान इधर कैंपिंग करने के लिए आए थे रात को, और वो भी पास थे वो यार रात को निकल गए जंगल घूमने के लिए, और जब वो जा रहे थे ना तब अचानक से बारिश शुरू हो गई, और वो बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, वो बारिश भूत ने करवाया था। तो बारिश को देखकर वो लोग डर गए और उनको एक घर दिखाई दे बिल्कुल इस तरीके वाले घर, तो वो लोग उसी घर के नीचे रह गए मतलब कि बारिश रुकता तब तक। और वो घर किसका है पता था? एक बूढ़ी औरत का, और उस बूढ़ी औरत ने कहा सभी लोग अंदर आ जाओ। उसके बाद उन पांचों को बूढ़ी औरत ने एक एक करके